शिव शंकर कैलाश पति हर हर भोलेनाथ, दानियों के दानी हैं भक्तों के हैं सा। कैसे पड़ा भंडारी का गंगा धारी नाम, आओ भक्तों सुनते हैं पावन कथा महा। शिव शंकर भगवान कोटि कोटि प्रणाम, शिव शंकर भगवान कोटि कोटि प्रणाम। भक्तजनों, कथा प्रारंभ होती है महाराजा सगर से। महाप्रतापी राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया और यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया, जिसका रक्षण करने के लिए महाराजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े के पीछे पीछे चला करते थे। इधर देवराज इंद्र को यह भान हुआ कि यदि सगर का यज्ञ सफल हो गया तो उसका इंद्रासन अवश्य छिन जाएगा। सो उसने इस यज्ञ को भंग करने की एक कुटिल चाल सोची। भक्तों, उसने रात को अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चुराया और चुपचाप जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब सुबह सगर पुत्रों ने देखा कि यज्ञ का घोड़ा कहीं नहीं है तो वो उसे ढूंढने निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में आए तो घोड़ा वहां बंधा पाया। उन्होंने सोचा कि घोड़े को चुराकर मुनिवर ने राजा सगर को चुनौती दी है, सो वो 60,000 पुत्र मुनिवर को अपशब्द कहने लगे, चोर इत्यादि कहकर संबोधित करने लगे। बस फिर क्या था भक्तों, ऐसी घटना घटी जिसका वृतांत इस संगीतमय गाथा के माध्यम से मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मुनिवर जी फिर क्रोध में आंखें खोलते जाए, लाल नेत्रों से क्रोध की ज्वाला निकली जाए। क्रोधाग्नि में जल गए पुत्र वो 60,000, बने प्रेत वो भटक रहे रो रहे बारंबार। शिव शंकर अपने पुत्रों के भस्म होने की बात जब महाराजा सगर को ज्ञात हुई, भक्तों भागा भागा कपिल मुनि के चरणों में आकर हाहाकार करने लगा, क्षमा याचना करने लगा। बोला, मुनिवर ये सब तो इंद्र की कुटिल चाल थी जिसके दंड का पात्र बन गए मेरे ये पुत्र, और अब ये प्रेत बनकर भटक रहे हैं। कम से कम इनके प्राण दान लौटा नहीं सकते तो इनकी मुक्ति का ही कोई उपाय बता दीजिए प्रभु। जब कपिल मुनि को सत्य का बोध हुआ तो उन्होंने सगर को बताया कि तेरे पुत्रों की मुक्ति का मार्ग मात्र और केवल मात्र गंगा जल ही है, इसीलिए माँ गंगा का घनघोर तप कर उन्हें स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। यह सुनकर सगर पुत्र अंशुमान माँ गंगा का तप करने वनों में आ गए, परंतु अपने देहांत तलक वो माँ गंगा को धरा पर नहीं ला सके। फिर उनके पुत्र दिलीप ने तप किया, वो भी असफल रहे। फिर असमंजस सहित सगर की कई कई पीढ़ियां तप करने में लग गईं, परंतु माँ गंगा को कोई धरा पर न ला सका। अब बारी आई भागीरथ की, उसने पहले ब्रह्मा और विष्णु का कठिन तप किया, क्योंकि विष्णु जी के नख से निकलती थी गंगा और ब्रह्म कमंडल में समाई हुई थी। दोनों ने भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उसे यह समझाया कि हम गंगा को छोड़ने के लिए तैयार हैं, परंतु इसका भारी वेग धरती के दो टुकड़े कर देगा, इसलिए जाओ और भोलेनाथ की तपस्या करो, क्योंकि सृष्टि में केवल वे ही
माँ गंगा का वेग धारण कर सकते हैं। शिव भोले के नाम की मन में अलख जगाए, जपता रहा वो रात दिन ओम नमः शिवाय। दर्श दिखाओ शंकर जी करता हूँ आवान, दर्श दिखा कर दे दीजिए मुझको अभय वरदान। शिव शंकर भागीरथ के भारी तप से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उसे दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। तब भागीरथ ने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पुरखों का उद्धार अब केवल आपके हाथों में है। वो प्रेत योनि में भटक रहे हैं और माँ गंगा का जल ही उनकी मुक्ति का उपाय है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी माँ गंगा को मुक्त करने को तैयार हैं, परंतु माँ का भारी वेग धरती माँ सहन नहीं कर सकेगी। इसलिए प्रभु, केवल आप और केवल आप ही माँ गंगा के भारी वेग को धारण कर सकते हैं। इसलिए प्रभु, मेरा कल्याण कीजिए और माँ गंगा का भारी वेग धारण कर लीजिए। देवादिदेव भोलेनाथ, दानियों के दानी तथास्तु बोलकर माँ गंगा के वेग को धारण करने हेतु तत्पर हो गए भक्तों। भागीरथ आवान पे शिव शंकर जी आए, गंगा धारण करने को खोल दी अपनी जटा। पूरे वेग से स्वर्ग से गंगा बहती आई, आके शिव की जटाओं में गंगा गई समाई। शिव शंकर भगवान कोटि कोटि प्रणाम, शिव शंकर भगवान कोटि कोटि प्रणाम। श्री हरि के नख से निकलकर ब्रह्म कमंडल से होती हुई माँ गंगा धरती की ओर बहकर आ रही है भक्तों, और मार्ग में खड़े हैं देवादिदेव भोलेनाथ अपनी जटाएं बिखराए हुए। माँ गंगा सीधा आकर भगवान शिव की जटाओं में समा गई और भगवान शिव ने माँ गंगा के वेग को अपनी जटाओं से बांध लिया। फिर भागीरथ के उत्थान को माँ गंगा की तीन निर्मल धाराएं भगवान शिव ने छोड़ी। पहली धारा आकाश को चली गई, जिसे हम भक्त लोग आकाश गंगा कहते हैं। दूसरी पवित्र धारा पाताल लोक को चली गई, जिसे हम भक्तजन पाताल गंगा कहते हैं। और तीसरी निर्मल धारा भागीरथ के पीछे पीछे बहकर गोमुख के रास्ते धरती पर आ गई तथा ऋषिकेश हरिद्वार होती हुई जो ही सगर पुत्रों की राख से मिली, प्रेत बने सगर के पुत्र प्रेत योनि से मुक्त हो गए तथा वैकुंठ लोक को चले गए। तब से यह प्रचलन है भक्तों के मृत मनुष्य की दाह संस्कार के पश्चात उसकी राख माँ गंगा के पावन जल में बहाई जाती है, जिससे आत्मा को मुक्ति मिलती है और उसे वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। भोलेनाथ ने भागीरथ का उद्धार किया और भागीरथ ने भोलेनाथ का नामकरण कर दिया गंगाधराय। पूरे रास्ते जय गंगाधर जय गंगाधराय कहता हुआ भागीरथ अपने पुरखों को प्रेत योनि से मुक्त करवाने में सफल रहा। तो इस तरह आपने जाना भक्तों कि मेरे देवादिदेव भोलेनाथ का नाम गंगाधारी कैसे पड़ा था। एक बार दोनों हाथ खोलकर सच्ची श्रद्धा से जयकार बोल दीजिए। बोलिए गंगाधारी भगवान शिव शंकर की जय। गंगा जल में पुरखों की राख जूही मिल जाए, भागीरथ के पुरखे सब तुरंत मुक्त हो जाए। गंगाधर के नाम से शिव भोले कहलाए,
आओ गंगाधर शिव को चंदन तिलक लगा।